आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। बागपत में थप्पड़बाज इंस्पेक्टर का लाइव वीडियो सामने आया है, जहां मामूली बात को लेकर बागपत इंस्पेक्टर शिव प्रकाश ने एक युवक को कई थप्पड़ जड़ दिए। सरेआम इंस्पेक्टर ने वर्दी की हनक दिखाते हुए युवक को पीटा और फिर खींचते हुए थाने ले गए। युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि वो दुकान पर कपड़ा लेने पहुंचा था, जहां दुकानदार से उसका विवाद हो गया। वहीं थप्पड़बाज इंस्पेक्टर की ये करतूत किसी ने मोबाइल में कैद कर ली, जो वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस बागपत कस्बे में एक दुकान है, उस दुकान में आज दो व्यक्ति अंदर घुस गए थे और उन्होंने संभवतः अंदर घुस के व्यापारी के साथ मारपीट की है। सूचना पे पुलिस पहुंची, पता चला कि ये दोनों के दोनों शराब के नशे में धुत थे और उसी शराब के नशे के चलते संभवतः अंदर घुस गए थे। उन्होंने जाके उसके साथ वहाँ जाके मारपीट और बदतमीजी की है। ये दोनों बगल के पास के गाँव के रहने वाले हैं, इनको हम थाने पर ले आए हैं, पूछताछ की जा रही है और जो भी चीज़ साबित होगा उसके हिसाब से कार्रवाई करें। हरदोई सुरक्षित लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी जयप्रकाश रावत के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाईजपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की तरफ से पिछले 3 सालों में तमाम काम किए गए, जिनमें लोगों के कल्याण के लिए आवास, विद्युतीकरण, शौचालय से लेकर किसानों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन देने की बात तक कही गई। और 60 वर्ष की उम्र के बाद हर लघु और सीमांत किसान को भी पेंशन की सुविधा का लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने जा रही है। भाइयों बहनों, पहले ही बार आपको देखने को मिला होगा, गरीब भी 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क पा सकता है। मोदी जी ने आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को सुविधा दी है। 50 करोड़ लोग पूरे देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुविधा ले सकते हैं। यह कार्य कोई कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। दो चरणों के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन मन मुताबिक वोट प्रतिशत नहीं रहने के कारण चुनाव आयोग में भी थोड़ी निराशा जरूर है। लिहाजा चुनाव आयोग ने इसकी भरपाई के प्रयास शुरू कर दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कानपुर पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग के बाद शहर के जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इसके पीछे का मकसद बिल्कुल साफ था कि जिन पिछले 2 चरणों में मतदान प्रतिशत कम हुआ है, उसे तीसरे और चौथे चरण में बढ़ाया जा सके। संवैधानिक मूल्यों के अनुसार देश को तकदीर बदलने के लिए काम करने वाली प्रत्याशी बने, ये जिम्मेदारी अल्टीमेटली हमारे महापुरुषों ने, जो हमारे संविधान बनाने वालों ने, हमको आज़ादी दिलाने वाले महापुरुषों ने ये अधिकार किसी को नहीं दिया, ना किसी संस्था को दिया है। ये अधिकार एक्सक्लूसिवली मतदाता का अधिकार है। अल्टीमेटली मतदाता को जागरूक करना पड़ेगा, सशक्त बनाना पड़ेगा, समझदार बनाना पड़ेगा। ये मतदाता ही ये कर पाएगा कि हमारे लिए सबसे मर्यादा रखने वाली, सबसे प्रेम भाव बढ़ाने वाली और अच्छे भविष्य और अच्छी प्रगति और जो न्याय, समानता और बंधुत्व पर आधारित समाज का निर्माण हो, ऐसे प्रत्याशी सेवाभावी, नम्र, सरल, पूरी गहराई से, पूरी निष्ठा के साथ, मनोयोग के साथ वो समाज को उत्कर्ष की ओर ले जाने वाली, स्वार्थी खुदगर्जी छोड़ के पूरी सेवा भाव से काम करने वाला ऐसे प्रत्याशी बने। ये ग्राम पंचायत सदस्य लेकर माननीय लोकसभा सदस्य, हर एक चुनाव में उत्कृष्ट व्यक्ति का चयन हो, ये काम मतदाता को ही करना पड़ेगा, क्योंकि मतदाता ही भाग्य विधाता है। फतेहपुर जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र के मजवानी मोहल्ला में बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे ट्रांसफार्मर के करीब बने घरों में दहशत का माहौल देखने को मिला। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फतेहपुर जिले की खागा कोतवाली क्षेत्र के अवलिया बाबा गांव किनारे गेहूं के खेत में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें देख ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन घंटों बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। तब तक 12 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो चुकी थी। बादा में एक अवैध गुटखा फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया है। औद्योगिक क्षेत्र भूरागढ़ में पिछले कई दिनों से गुटखा फैक्ट्री संचालित थी। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, साथ ही गुटखा बनाने का सामान और एक मशीन भी बरामद की।
अलीगढ़ में अंबेडकर प्रतिमा को अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे समाज में आक्रोश फैल गया। लोग आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और अंबेडकर प्रतिमा लगाने की मांग करने लगे। सूचना मिलने के बाद भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। पूरा मामला कुआरसी थाना क्षेत्र के हेमंतपुर का है। फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी है। हमीरपुर मोहब्बत इंदवारी क्षेत्र में चौथे चरण में होने वाले मतदान को लेकर प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रीतम सिंह लोधी के समर्थन में जन अधिकार मंच के संस्थापक बाबू सिंह कुशवाहा ने ताबड़तोड़ रैलियां की। उन्होंने लोकसभा क्षेत्र के इंगोटा और चरखारी में जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने का आह्वान किया। इस दौरान लंच पैकेट को लेकर लोगों में लूट मच गई। खाने के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। इटावा में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर एसएसपी संतोष कुमार मिश्रा ने इटावा की नुमाइश पंडाल में अपने पुलिस कर्मियों के साथ बैठक की, जहां एसएसपी ने पुलिस कर्मियों से कहा कि 29 अप्रैल को होने वाले मतदान के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश लेने के भी निर्देश दिए। मुरादाबाद जनपद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र में तेंदुए का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला क्षेत्र के गांव मडराऊ का है, जहां खेत पर जा रहे ग्रामीणों पर तेंदुए ने अचानक हमला बोल दिया। किसी तरह तेंदुए के चंगुल से निकलकर ग्रामीण पहुंचा और लोगों को जानकारी दी। ग्रामीणों ने यूपी डायल 100 और वन विभाग को सूचना देने के साथ खेत में घेराबंदी कर ली और तेंदुए के दो शावकों को पकड़ लिया, जबकि मादा तेंदुआ भाग निकली। उधर घंटों तक वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची थी। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।